मोबाइल बज बज के मेरे तो जी कान नहीं पक आई। गए। कहाँ है ये लड़की? परवा आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ गई। एक तुम ही आ भी ना। अरे तुम्हारा मोबाइल देख रही हूँ डॉक्टर, और परेशानी हो रही है। बस अभी देखिए। अरे संभाल के संभाल के, हाँ कहीं हाँ चोट न लग संभालिए। जाए। कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हो, फोन कर रही हो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों? ओह, इसे पौधों में पानी डाल रही थी ना इसलिए। तुम बताओ कैसी रही फिक्री, बताया? हाँ यार, तुम्हें तो पता है साहिल और समुंदर दोनों ही मेरी कमजोरी है। बहुत एंजॉय किया। और तुम्हें पता है हम सारी कजन्स ने खूब मजा करने के बाद घर भी बनाए मट्टी के। पानी में भी डूब थे? हाँ ना, बहुत मजा किया। तुम्हें पता है मैंने और किंजा ने बहुत देर तक वॉक भी करी और फिर हम लोगों ने वहाँ पे खेला। चलो फिर भी अच्छा है, एंजॉय तो किया तुमने। हाँ बहुत, अगर तुम होती तो और मजा आता। मैं होती तो। और तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? तुम पे ऐसे कह रही हो जैसे कोई बहुत ही आसान काम हो कराची आना। तुम्हें पता है जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से अम्मी ने तो किचन में बांध के रखा हुआ है। कहती हैं आओ खाना पकाओ, ये सीख लो वो सीख लो, बस सिर्फ घर के काम, घर के काम और घर के। और तुम अम्मी की सारी बातें खुशी खुशी मान रही हो, है ना, ताकि वो तुम्हें जल्दी ससुराल दे। बस एक बात बताओ, रिश्ता विश्ता आया कि नहीं? क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और दुआ करो कि रिश्ता आए भी नहीं। मुझसे शादी नहीं करी, अभी तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। यार अब ये सब शौक तुम्हारा वहाँ हैदराबाद में रहके तो पूरा नहीं हो सकता ना, इसलिए तुम्हें कराची आना होगा क्योंकि यहीं पे ही सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस पे अम्मी से बात हो सकती है, करके देख लो। अच्छा सुनो, तुम मम्मा से बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सही है, फिर मुझे बताओ। हाँ हाँ तुम रेस्ट करो और मैं जाके अभी अभी थोड़ा सा सोच के अम्मी से बात करती हूँ। ठीक है, दाफिस। मैं मना लूंगी। बजाना शुरू कर देती हूँ। नहीं नहीं पाजी, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा बहुत बातें बनाती हो। अब्बा ने चाहती चाहती शादी करा दी थी मेरी। तो क्या पैदा होते ही तुम्हारी शादी हो गई थी? आए है भला, पैदा होते ही किसी की शादी हुई है? मेरे खावन ने मुझे गोद लेना था क्या? बहुत बातें बनाती हो, जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। बाजी रात को भाई से फिर लड़ाई हुई है क्या? शट अप, अपने काम से काम रखा करो, जाओ यहां से। हाय मई, नाराज हो क्या? प्लीज मैं, डोंट टॉक टू मी। पहले सुबह तुम इतनी खूबसूरत लग रही होती, फिर ऐसी शक्लें बनाओगी ना तो मुझे और प्यार आता। तंग मत करो। Okay, I'm saying, I'm sorry. मैं तंग मत करो, नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। अच्छा लाओ मैं खुद। मैं छोड़ दो, मत करो। मैं खुद अपने हाथों से नेल पॉलिश लगाऊंगा तुम्हारे। नहीं करो, मैं खराब हो जाएगी। ये छोटी सी बात पे तुम इतनी देर नाराज रहोगी मुझसे? मैं छोड़ दो, मुझे नहीं करना, छोड़ो। मैं कान पकड़ के माफी मांगू? क्या हुआ? क्यों हंस रही है? सलाम।
अरे बेटा कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र। बेटा जॉब जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इनफैक्ट आपने दुआ की थी ना, इसीलिए पिछले हफ्ते ही प्रमोशन मिला मुझे। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेके आ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं, बिल्कुल थी। लीजिए, आई होप आपको अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। बस अब तुम जल्दी से शादी कर लो। जी तन्हा जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है मुझे देख लो, जब से तुम्हारे अंकल की डेथ हुई बिल्कुल अकेली होगी। बेटा है भी तो बाहर जाकर सेट हो गया, बहुत मसरूफ हो गया वो। बस मेरी जरूरियात का ख्याल जरूर रखे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात सुन। मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना एकदम। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी बात करने के लिए कहाँ कोई होता। आपका जब भी दिल किया करे ना इस तरह दिल की बात करने को, तो मेरी तरफ चला आया करे। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक ही मशवरा है, तुम फौरन शादी कर। मैं कर तो रहूं, लेकिन मेरी शादी कराने की किसको पड़ी, कौन कराएगा? अरे देखो एक मिनट में तुमने मुझे पराया कर दिया, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। अजय बताओ लड़की वड़की पसंद है नहीं? अरे नहीं इस मामले में मैं थोड़ा। अच्छा फिर ठीक है, कल से ही लड़की की तलाश शुरू। मम्मी मैं कराची जाना चाहती हूँ। मम्मी मैं कराची जाना चाहती हूँ। ये सब्जी जाके खोल। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। जिस चीज का कोई वजूद ना हो उस पर बहस करने का क्या फायदा। जा सब्जी धो कर लिया, यही चीज तो इस ससुराल में काम आएगी। कराची वराची कोई नहीं पहचानेगा। अब हर चीज के अंदर ये ससुराल क्यों ले आते? मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या करेगी, हल जोतेगी? मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, MBA करना चाहती हूँ। वाह वाह क्या सोच है मेरी बेटी की। मुझे लगता है तेरे मामू को फोन कर। क्यों? वो एक दिमाग के डॉक्टर को जानते हैं, वो तुझे उसके पास ले जाएंगे। मुझे लगता है तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। अम्मी मेरी बात तो सुन। सुन तो, लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, चेहरे पर पक्कापन आ जाता है। घर बैठे बैठे यही बात सीख और अपने घर की। शादी के बाद पढ़ लेना अगर शोहर इजाजत है। और तुझे कौन सी नौकरी करना है, घर संभालना है ना, और घर संभालने के लिए MBA करना जरूरी नहीं है। मतलब आप मुझे नहीं जानोगे? और कितनी बार कहलवाएगी, चला अंदर तुझे लौकी की भुजिया बनाने सिखाऊं। आ अंदर, मुझे नहीं बनानी। इस लड़की का गुस्सा पता नहीं अपने घर जाके क्या करेगी। अल्लाह सब पतियों के नसीब अच्छे करे। हाँ भाई कहाँ गायब है, ना फोन ना मुलाकात, क्या चल रहा है? माफ कर दे यार, एक्चुअली ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ था, उसके सिलसिले में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। अब तो फ्री हो गया ना? वैसे मिलना तो मैं भी तुझसे चाह रहा था, क्या प्लान है? ओ भाई मिलने मिलने की बात ना कर, रहने दे। अरे सच कह रहा हूँ, वैसे भी तुझे गुड न्यूज देनी, प्रमोशन हो गई मेरी। गुड न्यूज? ओके, और वो भी सूखी सूखी। भाई ट्रीट बनती है इस पे ट्रीट, प्रमोशन है यार। अरे मोस्ट वेलकम यार, तू जब बोले तब। आज एक काम करते हैं, भाभी को ले आ, इंदर साथ में करते हैं। आज नहीं हो पाएगा यार, वो आमिर के पास पार्टी पे जाना है। हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ मैं भी आ ही रहा हूँ, सो वहीं मिलते हैं। चलो ग्रेट, तो फिर वहीं मुलाकात होती है इंशाल्लाह। चल चलो, ओके ओके बाय।
फरवा, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ तू क्या चाहती है, कि तू नहीं जानती कि तेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। कोई भला अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर सकता है, लेकिन ये तो दुनिया के रस्म रवाज है। बेटी पराया धन होती है और उसको एक दिन पराए घर जाना होता है, लेकिन जितना भी वक्त है हम साथ तो गुजार सकते हैं, लेकिन तुम हो अभी से जाने की बात कर रही। मेरा ये मकसद नहीं था, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर दे। I'm sorry. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, आप जैसे कहेंगी जिससे कहेंगी उससे शादी कर लूंगी, लेकिन आप रोए नहीं। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी। तुम जाओ कराची, पढ़ो लिखो, मैंने ज़ैनब से तेरे आने का कह दिया है, वो भी सुनकर बहुत खुश। तू कब जा रही है? मेरी बात मानोगे ना, हमेशा खुश रहोगे। आसान नहीं है मेरी जान ये सब करना। इतना डरती है मालूम सर? उम्र मुझे कहाँ ले आए हो? तो बोर हो रही हूँ मैं, तो सर में दर्द शुरू हो गया। और प्यार से ट्रीट करो। उमर, come on, चले? Getting late. Come on, honey, let's go. Just give me 2 minutes. हम जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं, right? उमु, चले ना, बस बहुत देर हो गई है। उमु, चले? Okay. चले? I think so. Alright, guys. मैं निकलूं? भाई रात में जागती है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो सी यू गाइस सून इंशाल्लाह। लेट्स गो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, हर जगह तुम्हारी पंचायत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन? मैं ट्रॉमा कर रही हूं तो और क्या? इस चीपस्टर लोग, इनमें तो मुझे उठा के ले आए हो। चलो तुम्हें बताती हूँ। खाला कैसी हैं आप? कैसी हो? मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो रही। जाओ भाई सामान ऊपर रख कर आओ। मम्मी ने बहुत सलाम कहा है आपको। हे वालेकुम सलाम, मैं बहुत याद करती हूँ इसे। पता नहीं बहुत दिल था आने का, आपको पता? अच्छा, हाय कैसी हो नारिन? तुम आ गई? हाँ हाँ हाँ, चलो आपको बाद में बात करेंगे, चलो पढ़ो। लेकिन आओ, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंदर की कहाँ जा रही हो? यार वो मम्मा ने देख ली। ये देखो उसने मुझे क्या दिया। बहुत महंगा लगता है। महंगा लगता नहीं, महंगा है। हाँ तुम तो बहुत लकी हो, सलमान बहुत प्यार करता होगा ना तुमसे। हाँ क्या मतलब? हाँ तुम उसे पसंद नहीं करती क्या? करती हूँ लेकिन उस तरह नहीं। तुम्हें पता है जब लड़की किसी लड़के से प्यार करती है या उसके साथ सीरियस हो जाती है तो ये लड़के समझते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया, अब एक तो सेट हो गई, अब दूसरी को करो। मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। और सुनो, तुम भी किसी से प्यार मत करना, बड़े बेवफा होते हैं ये लड़के। सही बता रही हूँ यार, एक मसला हो गया है। क्या? कहीं तू भी तो किसी को पसंद नहीं करती? नहीं, पागल हो गया? तुम्हें तो पता है ना, मम्मी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कौन सी शर्त? मुझे क्या पता, अभी 2 दिन से तो तुम्हारे से बात नहीं हुई है मेरी। मम्मी ने कराची आने की इजाजत दे दी और ये भी इजाजत दे दी कि एमबीए कर, लेकिन कहा है कि शादी करो और उसके बाद करें। पता है खालों को कहा है कि जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढने, चाहे मंगनी करें या जो भी करें। बस इतनी सी बात? यार फरवा क्या हो गया है,
ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मंगनी कर लो तुम भी, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। अच्छा है मेरी तरह मंगनी कर लो और रोज नई फरमाइशें, और क्या। हाँ फिर तो बहुत मजा आए। चलो ये सब बातें छोड़ो, आओ मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। और क्या, बहुत सारी चीजें, बैठो तुम। बस फिर क्या, दो दिन में उसका बेटा आया, सारा सामान भेजा और माँ को ले गया। कभी कभार फोन पर बात हो जाती है, ऐसे भी लंदन से तो बहुत महंगा पड़ता है ना इस तरह कॉल करना। लेकिन बहुत खुश है, उसका बेटा बिल्कुल रानियों की तरह रखता है उसे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। आमीन। और मेरे बच्चों को तौफीक दे। इसे बाहर जाकर बैठ, अब तो लगता है मेरे मरने के बाद कब्र पर चादर डालने आएंगे। राबिया ऐसी बातें नहीं करती, एक दिन देखना वो भी आएंगे तुम्हें लेने के लिए, फिर तुम उनके साथ चली जाना। देखा, तुम देख के हैरान रह गई ना, 2 साल पहले मिली थी तुम, मेरी बहन की बेटी है, कितनी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह कितनी प्यारी निकली है। यहाँ पढ़ने के लिए आई है, अब मेरे पास ही रहेगी। बहुत अच्छी बात है, माँ बाप का फर्ज है कि अपनी औलाद को आला तालीम। ऐसे एक बात बताओ, इसकी कहीं बात पक्की हुई है? नहीं फिलहाल तो कहीं भी नहीं। हाल पता है इसकी माँ ने यही सोचकर यहाँ भेजा है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर दूं और फिर उसे इत्तला कर दूं। फिर तो समझो बिल्कुल बात पक्की, बहुत अच्छा रिश्ता है, बस तुम इत्तला कर दो। तुम फिर मिलवा कब रही हो उससे? कल ही मिलवाती हूँ। रुको पहले मुझे बताओ क्या बातें हो रही थी। मुझे क्या पता। फलवा नहीं करो, वहीं से आ रही हो ना, बताओ क्या बातें चल रही थी। मुझे क्या पता, मैंने नहीं सुनी, तुम बाहर जाओ, मैंने कहा ना मैंने सुना। बाहर रुको, बाहर रुको, बाहर बाहर। ये लीजिए खाला, कर्मा करम चाय। अरे चाय रखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। कैसी खुशखबरी? ये देखो। कैसी लगी? अच्छी है। लो सिर्फ अच्छी नहीं, मतलब बहुत अच्छी प्यारी है। पर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारे लिए लड़की देखकर आई हूं ना। मेरे लिए देखिए मतलब? भाई मेरी फ्रेंड है, उसकी कजिन की बेटी है और ये हैदराबाद से आई है कराची। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई है, लेकिन इसकी माँ चाहती है इसकी शादी हो जाए। उसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने सोचा तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कौन मिलेगी। आप इतना अच्छा सोचती हैं, इसके लिए थैंक यू। माँ को कोई इस तरह थैंक यू करता है क्या? अच्छा बताओ तुम्हें लड़की कैसी लगी? अच्छी है, अच्छी। अच्छा सुनो, कल शाम को ना हम लोग कहीं इसे लेकर चलते हैं, कहीं आइसक्रीम खा लेंगे, तुम इससे मिल लेना। मैंने वैसे अपनी फ्रेंड को बता दिया। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बहुत प्यारी है, सामने से इसे देखोगे ना तो तुम्हें और अच्छी लगेगी।
ये हरकतें नहीं करना मेरे साथ यहाँ पे, मैं सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। हरकतों से बाज आ जाओ, इन हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी बाज आ जाओ इन हरकतों से, बाज तो तुम आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मुझे तुम्हारा इलाज करना आता है। क्या कर दिया मैंने, किया क्या है मैंने? क्या किया है तुमने? कल रात पार्टी में क्या हो रहा था? वो लड़की कौन थी जिसे तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे? कोई है जवाब तुम्हारे पास? हाँ है, और वो मेरे एमडी की बेटी है, करना पड़ता है, कारोबार है उसके साथ हमारा। खुद का घर बिगड़ जाए, चाहे खुद का घर बिगड़ जाए। और तुम कौन सी बहुत पारसा हो, अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे नजर नहीं आ रहा है, सब दिख रहा है मुझे क्या कर रही हो तुम। क्या शक कर रहे हो मुझ पे, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? शक नहीं कर रहा हूँ, यकीन है मुझे, यकीन कि तुम्हारा उस कमीने साकिब के साथ चक्कर चल रहा है। What? How dare you? तुम जैसे घटिया इंसान से शादी की, फर्श से अश पे उठा दिया, तुम ये सलाह दे रहे हो मुझे इस बात का? हाँ, याद करो वो दिन जब तुम रोते भलकते हुए मेरे पास आए थे, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। हाँ हाँ, पछता रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ उस मनहूस दिन को जिस दिन मैंने आके तुम्हारे पैर पकड़ लिए थे। नसीब खराब हो गया मेरा, कर तो रहा हूँ तुम जैसी बदज़बान औरत को बर्दाश्त में। तुम क्या मुझे बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ छोड़ दो ना, लेकिन तुम्हें ये आसाइशें कहाँ मिलेंगी? ये लग्जरी फ्लैट, नए मॉडल की गाड़ी, हाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ? साल में 2 हॉलीडे, ट्रिप्स, कहाँ मिलेंगे तुम्हें ये सब कुछ? सच तो ये है कि तुम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हो, और तुम क्या बर्दाश्त कर रहे हो मुझे? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, वरना तो शादी के दूसरे दिन तुम्हारी असली औकात सामने आ गई थी, जब तुमने मेरे डैडी से पैसे मांगे थे, वो भी हनीमून के। मांगे थे पैसे, और मांगे थे और वापस भी कर दिए उनको वो पैसे मैंने। तुम्हें जाना था ना थाईलैंड, तुम्हें जाना था ना थाईलैंड? हाँ मुझे जाना था थाईलैंड। मैं कह रहा था मरी चलो, पैसे भी थे मरी के मेरे पास, लेकिन थाईलैंड जाना है तो जाओ। ओह मरी, सच कहो तुमने, मरी जैसी औकात थी तुम्हारी, पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो, काश तुम्हारी औकात जाने से पहले मैं मरी जाती। तो अब मर जाओ, अब कौन सी देर हो गई है? तुम यहाँ क्या कर रही हो, जब देखो बातें सुनती रहती हो। अजाब कर दी इस औरत ने मेरी। बाजी मैं तो खाने को पूछने आई थी, देखा तो। जा जा के अपना काम करो। बहुत लकी हो यार। अच्छा मुझे दिखाओ ना, एक मिनट एक मिनट, देखो उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, गोरा रंग, हैंडसम, एमबीए पास। फरवा ये लो रखो मुझे, क्यों देखो ना, देखो ना। फरवा फरवा, वो कल्ला राबिया के साथ आफाक तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम ऐसा करना अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाना, और नौरीन तुम इसकी तैयारी में मदद कर देना। ये तो पहले से ही तैयार है। पागल, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है, आ जाओ जरा किचन में देख लो, बहुत काम पड़ा हुआ है, आओ। वैसे कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि राबिया ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगी, चाय अभी पियेंगे या बाद? मैं ज्यादा चाय पीता नहीं, इट्स ओके। भाई मैं तो चाय पीऊंगी, है ना बेटा, पी लेते हैं ना जी। जाओ फरवा को लेके आओ।
हमारे साहिबा तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बस वो एक मिनट, एक सेकेंड बस। बताओ कैसी लग रही? हाँ बहुत प्यारी लग रही। आ रही हूँ एक। चलो परवा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आओ इधर बैठो। अच्छा शाबाश। फरवा बेटा चाय दो ना। मुझे पता नहीं चला, वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से चली गई, मुझे बाकी नहीं पता चला। I'm sorry. अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। जाओ फरवा जाके हाथ धो लेगा। After you. आंटी के लिए चाय डालो ना तुम। आंटी बता रही थी कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं। क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? अरे नहीं, मुझे भला कोई एतराज क्यों। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ दैट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पर्सन। इल्म तो दौलत जितनी हो उतनी कम। मेरी तो यही ख्वाहिश है। अब देखिए अम्मी के हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकती है। आगे जो खुदा की मर्जी। ऊपर वाले ने तो आई एम श्योर कुछ अच्छा ही सोचा, वरना इस तरह हम आज साथ यूं खड़े नहीं होते। मेरा एक भाई है, वो यूके में रहते हैं और चाहते हैं कि अम्मी उनके पास आ जाए मेरी शादी के बाद। और अम्मी को भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए। और आप क्या चाहती? जी मेरी फैमिली में मेरे अलावा और कोई नहीं। फादर पास्ट अवे से बहुत छोटा था। मेरी मदर को किस रहे करीबन 3 साल हो गए, तो दी बहुत ही छोटी क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। और अब तो अकेलेपन का ये हाल है कि सुबह ऑफिस जाने के लिए टाइम पे आँख भी नहीं खुलती। सोच रहा था अगर कोई टाइम पे उठाने वाला आ जाए तो शायद ऑफिस टाइम पे चेंज। आप शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको कोई सुबह टाइम पे उठा सके? नहीं, आई मीन उसके भी वो बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। या चलो चले। लग जा गले के फिर ये हसीं रात हो ना हो। बहुत गंदी आवाज है उमर। अच्छा मेरी तरफ देखो तो। नहीं, तुम हर वक्त लड़ते हो मुझसे। अच्छा सिर्फ मैं लड़ता हूँ? और तुम? मैंने कभी तुमसे लड़ाई नहीं की। अब इतने प्यार से नहीं देखो, प्यार हो जाएगा। That's like a good girl. कि तो हो जाता है यार, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, पर तुमने भी सही तो नहीं किया ना। अच्छा हो गया तो उसकी खाला से मिल लिए,
जी अच्छे लोग हैं। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं आंटी, कोई एतराज नहीं। तो बस भाई तुमने उसे देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया, उसे भी तुम पसंद हो और उसके घर वालों को भी, तो फिर क्या सोचना? आंटी वर्मा ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा क्या? तुम उसे बहुत पसंद आई। क्यों, उसने कुछ कहा क्या? नहीं, हमारे बीच में तो बस यही सरसरी बातें हैं। दरअसल एक रिवायती खानदान की बच्ची है, जाहिर सी बात है पहली मुलाकात में अपने दिल की सारी बातें तो नहीं कर देगी, लेकिन तुम इत्मीनान रखो उसके घर वालों तुम बहुत वफ़ा। बस अब चट मंगनी पट गया। जी अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो मामा था और वो भी फोत हो गया। अभी अभी फोन आया मेरी अम्मा का, रात की गाड़ी पकड़नी है मैंने। और मेरे घर का क्या होगा, कौन करेगा मेरे घर के काम? वो मैंने अपनी दरानी को बोल दिया है, वो सुबह 12 बजे आके सारे काम करके चली जाएगी। 12 बजे नाश्ता कौन बनाएगा? बाजी वो सुबह कहीं और काम करती है ना, तो सुबह नहीं आ सकती। बाजी अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे रोकने से रुक रही हो तुम। बाजी वो अगर तनख्वाह एडवांस में मिल जाती तो। मैं नहीं दे रही कोई पैसे, जाओ जाके साहब जी से लो, उमेर के पास जाओ। बस गांव जाने का बहाना चाहिए, कभी कोई मर गया कभी कोई मर गया। यार वो गुलशन आई थी, वो कह रही है वो छुट्टी पे जा रही है और तुमने छुट्टी दे भी दी है उसको। तो क्या करती, अगर छुट्टी नहीं देती तो वो काम छोड़ के चली जाती, देनी पड़ी मुझे छुट्टी। इसका भी ये हर वक्त का ड्रामा है, काम करे नहीं करे इनको तनख्वाह पूरी दे दो बस। अच्छा उठो यार, एक कप चाय बना दो मुझे। मिल गई तुम्हें फ्री की मासी। उमेर तुम जानते हो ना मैं किचन में नहीं खड़ी हो सकती हूँ चूल्हे के आगे, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो क्या करूँ, पड़ोसी से बोल दूँ? सब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक चाय बनाने में मौत आ जानी थी इसको। शादी से पहले मुझे एक बार उमेर से मीटिंग जरूर करनी चाहिए। I mean, क्या शानदार जिंदगी है उसकी। एक काम करता हूं, कल फुर्सत से उसके ऑफिस जाकर बात करता हूं। आइडियल वाइफ साबित हो पाऊंगी? नहीं पाऊंगी। मैं महेश को कॉल करती हूँ, कितनी आइडियल जिंदगी है। तुम बहुत रात हो गई। अरे हाँ एक काम करती हूँ, कल जाके उससे मिलती भी हूँ और जाके सारी बात भी। बज रहा है यार, तो मैं क्या करूं,
के बंद करो ना यार, तुम्हारे साइड पे रखा है, तुम अलार्म बंद नहीं कर सकती। और तो मुझे नाश्ता बना दो, आज मुझे जल्दी जाना। नहीं तुम वापस जाके कर लेना, मैं तो भी और सोऊंगी। मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि मैं रोज दफ्तर जाके नाश्ता करूं। जल्दी से उठो, मुझे नाश्ता बना के दो यार। आगे सुबह सुबह अपनी औकात पे। किस किताब में लिखा हुआ है कि बीवियों का फर्ज होता है वो सुबह उठ के अपने शौहरों के लिए नाश्ते बनाएं, अपनी नींद हराम कर दें। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब नहीं करो तुम। तुम्हारा फर्ज है शौहर की खिदमत करना। तो शौहरों का भी फर्ज होता है कि वो बीवियों को अपनी हद दर्जा आराम पहुंचाए। अगर गुलशन छुट्टी पे चली गई है तो दूसरी मासी रख ले। मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। सो जा, सो जा। गुलशन से ही शादी कर लेता हूं मैं, खाने को तो मिलेगा। सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? सुबह ही सुबह मैडम, 1 बज रहा है दिन का। क्या 1 बज रहा है? पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ कराची कब आ रही हो? हाँ नैविश, मैं कराची में ही हूँ, अपनी खाला के घर रुकी हुई हूँ। असल में मेरा ना रिश्ता तय हो गया है और अगले ही हफ्ते मेरी शादी है। तू तो बड़ी छुपी रस्ता में निकली। हाँ छुपके छुपके अचानक? अरे नहीं यार, कंप्लीट अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मशवरे चाहिए। मोस्ट वेलकम मेरी जान, जब भी आना हो बस मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है मैं शाम को ही घर आती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ हो? अरे आई एम तो परफेक्टली फाइन, बस तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। तेरी शादी तय पा गई है ना, बस इतना ही है ना? अरे वाह यार, तो बड़ा स्मार्ट है, बताया भी नहीं और गेस भी कर लिया। चल मैं शाम को तेरे घर आता। घर सुबह ही मुमारी हुई है, अगर ये घर आ गया तो कहीं इसके सामने ही औकात ना दिखा दे। अरे क्या हो गया, घर नहीं बुलाना चाहता? मैं सोच रहा था जरा तेरे से भी कुछ मशवरा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, वो तेरी भाभी मायके गई है ना, और आज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, कल अपने रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। अरे हाँ तो नो प्रॉब्लम, डन, शाम में मिलता। ओके ओके बाय बाय। रश्क आता है मुझे तुम पर, कितनी मिसाली जोड़ी है ना तुम्हारी और मेरे भाई की, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। अभी कुछ कम प्यार नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि ढील नहीं देती हूँ उन्हें, कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी गलती पे भी उससे माफी मांगो। हैं एंड लुक आई एम हैप्पी।
सही कह रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी तो मिसाली है। दो चार हिंट्स और गाइडलाइन मुझे भी दे देना। उमेर एक मिसाली शौहर है, मेरी हर गलती को हंस कर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ उन्हें कम से कम शिकायत का मौका दूँ। इसी तरह तो मैंने उसे मुट्ठी में किया है। महवेश मुझे भी बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि आफाक के दिल में घर कर लूँ? ऐसा क्या करूँ कि वो मेरे असीर हो जाए? हर चोर जाता है कि उसकी बीवी उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ बांट ले। जैसे वो थका हारा ऑफिस से घर आए तो उसे हर चीज तैयार मिले, साफ सुथरा घर, सजी बनी बीवी, और अगर बीवी बाहर के भी कुछ काम कर ले तो क्या ही कहने, जैसे यूटिलिटी बिल्स, और अगर घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो तो मिस्त्री को बुलवाए और वो करवा दे। और शौहर जितना इन बकेरों से दूर रहेगा उसे बीवी उतनी ही प्यारी लगेगी और रोब में भी रहेगा। उमेर मुझसे यही डिमांड करता है कि घर और बाहर दोनों के काम करूं, तो यकीनन हर मर्द ऐसा ही सोचता होगा। अगर बीवी को ताबेदार रखना है ना तो पहले खुद ताबेदार हो जाए। तुझे क्या लगता है माई हमेशा से ही ऐसी है? उसका शुरू में गुस्सा इतना जुनूनी था ना बॉस, लेकिन कभी दिल पे नहीं लगाया ना। माई को देखा है तुम, आवाज सुनिए उसकी। मेरा सबर है जो शुरू में उसे बर्दाश्त करता, हर वक्त चें चें टें टें कान मेरे पक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गलती पे मैंने माफी मांगी। मैंने मेरे दोस्त, और तू जानता है मेरा गुस्सा कितना खराब, फिर भी कभी कुछ नहीं बोला शुरू में मैंने उसे। अगर बीवी को खुश रखना चाहता है ना तो जब घर में उसके लिए खाने पका, उसको किचन में ना जाने दे, उसके सारे काम कर दे, शहजादी बना दे शहजादी, बिठा दे बिस्तर पे, फिर देख कैसी भीगी बिल्ली बन के ना तेरे आगे पीछे घूमेगी। देख माही को, चूं नहीं निकलती उसकी, चूं। अब इसे क्या बताऊं मेरी बीवी कितनी फुहड़, हो सकता है इसकी बीवी भी ऐसी हो। तो अच्छा है ये घर के काम करने लगे तो वो खुश रहेगी। अच्छा सुनो, अगले संडे मेरी शादी है और तुमने जरूर आना है। अगले संडे तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम इस्लामाबाद से वापस आओ तो तुम मेरे घर जरूर आओगी। आओगी? Sure, I'm really sorry. मैं जरूर आऊंगी। सुन, शादी में तो आ रहा है ना तू? नहीं यार, वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, माही के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अगर टाइम निकला ना तो जरूर आऊंगा यार। एहसान होगा भाई। वो छोड़, जो मैंने बोला वो समझ आई कि नहीं आई तुझे? हाथ के नीचे कर ले, हाथ के नीचे नीचे तो बात है बस। याद है जब उस दिन पहली बार मुलाकात थी और पहले ही मुलाकात में आपने चाय गिरा दी मेरे हाथ? उफ, आपको अभी तक याद है? कैसे भूल सकता, हमारी वो पहली मुलाकात तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कभी सोच नहीं सकता था कि इतना खुश नसीब हूं कि जिस लड़की को पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठा वो जिंदगी भर के लिए मेरी हो जाएगी, मेरी दुख सुख की साथी बन जाएगी। खुदा वाकई बड़ा मेहरबान है मुझे,
मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा। मैं भी खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको मेरी जिंदगी में अता किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हर सुख और हर दुख में आपके साथ रहूंगी। ये रहे पराठे और ये रहा ब्रेड। तुम नाश्ता शुरू करो ना। अरे 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 मेरे होते हुए तुम्हें कोई छोटा सा काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे घर के काम आप करते हैं, कोई काम तो मुझे भी करने दो। क्यों नहीं ना, मेरी दुल्हन को वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 15 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। 15 साल भी हो जाएंगे तब भी यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैंने तो हमेशा से सोच के रखा था मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरी बीवी बन के आएगी उसकी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। वो शहजादी जो होती है ना वो अपना काम खुद नहीं करती। ये दो आपको। आपको मैं खुद ले दूँ। मैं Thank you. There you go. Yeah. Thank you. आप मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। कैसे साबित करूं कि मैं एक आइडियल बीवी हूं? क्या करूं क्या करूं आखिर क्या करूं? ओह गॉड, ये कैसे जाएगा? कब तक तैयार होगी तुम? 1 घंटे से शीशे के आगे ये कर रही हो, इससे अच्छी नहीं लग सकती। फ्रिज में कुछ फ्रोजन खाने पड़े हुए, निकालो मैं गरम करती हूँ। आज मैं लंच पे आया था, सोचा था तुम खाना बनाओगी, मुझे खाना खिलाओगी। जितनी तुम्हारी जबान चलती, अगर हाथ चले ना तो मैं भूखा नहीं मरूं।
बीवी हो कोई तो बीवी वाला काम करो, वरना फेंक के आऊं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में। तुम क्या फेंक कर आओगे मुझे, तुम खुद मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। और वैसे भी जब से गुलशन गई है तुमने तो मुझे बवर्चन समझ लिया, बस चाहती हूँ किचन में घुसी रहूं तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूं। तुम पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। नहीं जी 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 जी, तो बस करो फिर तैयारी, करो मेकअप, मलका है हुस्न बनना है, करो करो और मेकअप करो। तुमसे मतलब, पहले तो मैं जा रही थी किचन में तुम्हारे लिए खाना गर्म करने, अब तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी, जो करना है करो। चलो अच्छा बात सुनो, बाहर से कुछ मंगा लेते। ओके, ख्याल कैसे आया? अब कुछ खाना तो है ना। ऐसा करती हूँ कि मैं विश को कॉल करती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। यार आज मेरा और अमेरिका ना लंच का प्रोग्राम था, तो उसे सी ऑफ करने गई थी, उसका तो दिल ही नहीं था मुझे छोड़ने को। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं अपनी सारी चीजें कहाँ रखते हैं, कहाँ ढूंढूं बिल। बस बेटा हमेशा से यही चाहती थी कि अपने बेटे के पास जाऊं, आखिरकार उसने मुझे बुला लिया है, मेरा वीजा लग गया है ना। अरे वाह माशाल्लाह, तो आना कब होगा? पता नहीं कब वापस आने देगा, पहली बार जा रही हूँ ना उसके पास। आंटी ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, अभी खाना खा के आई थी मैं। कोई तकल्लुफ नहीं, और वैसे भी ये सिर्फ चाय है, कुछ नहीं है, खाने के बाद ही पी रहा है। ये बताइए चीनी कितनी? एक चम्मच। आपको पता है आज आप आई हैं तो इसी वजह से कुछ जाके कुछ दो काम फिर से किचन में, वरना आप तो किचन के अंदर आने देते हैं, और कोई काम कर लो तो। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कोई रोज किचन में चला जाता हूँ खाना बनाने के लिए, बस कभी कभी ऐसे दिल करता है तो, और मुझे लगता है कि दिल करे तो कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजारने का रास्ता तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें। खाना ने भी वही बात की है जो महवेश ने मुझे समझाई थी, इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा देख,
आ गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं जरा मार्केट तक गई थी। पता है तुम अब आ गई हो ना, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक सी डिश बनाई है, फिर खाना खाते। लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये तो मेरा काम है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करके खुशी होती है। ये सब क्या लेके आ गए? मार्केट गई थी तो सोचा थोड़ा सौदा सा है, शायद इसी तरीके से आपका हाथ बटा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। अभी अभी आपने कहा था कि हमारे इस रिश्ते में आपका और मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। कहा था? हाँ मैंने कहा था। अभी अभी हाँ, आप मुझे बोलो, मैं बाकी चीजें ले आऊंगा। ठीक है। How are you, brother? I'm good, man. इतनी दोस्ती? कैसा है? ठीक। तू यहाँ कैसे? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. बस एक मीटिंग के लिए आया था यार। I'm gonna just rush into the other one. Meeting. बहुत मीटिंग करता है तू यार। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी तेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स। बस कर यार। भाभी आप कैसी हैं? मैं भी शुक्र भाई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी को कितना अर्सा हो गया, लेकिन ना ही आपने हमारी दावत की और ना ही हमारे घर आए। सांसें क्या भर रहा है? अभी आपका घर है, जब आप चाहें तब आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम तभी आएंगे जब आप प्रॉपरली हमें इनवाइट करेंगे, ऐसे मुंह उठा के नहीं आएंगे हम। और फिर भाभी बहुत कमाल का खाना बनाती हैं, जब देखो तो तारीफें करता रहता है, वो भी तो खाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उस उल्लू की पट्टी को खाना पकाना आता तो मसला ही किस बात का था। क्या हुआ, कहाँ देख रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आजकल माही की तबीयत थोड़ी खराब है, जैसे ही वो फिट होती है सबसे पहली इनवाइट तुम लोगों को आती है। सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी तबीयत खराब है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ यार। I'll catch with you guys again. Good to see you. भाभी को मीटर से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। टेक केयर मैन, चलें। बिल्कुल, खाएंगे क्या? बहुत भूख लग रही है। टाइम देखा है तुमने? डिनर का प्लान था ना हमारा। कमाल हो, मतलब कब डिनर का प्लान नहीं होता? जब से गुलशन गई है घर में बना क्या है, रोज तो बाहर डिनर है, और एक दिन मैं लेट हो गया तो क्या ऐसी आफत आ गई? तुम ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत टूट गई। क्यों आज तुम्हारी फिल्में ड्रामे नहीं आ रहे टीवी पे? ओह रियली? तो मेरा प्लान था, तुम ही ने प्रोग्राम बनाया था, समझ में आई? मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं। देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही हैं वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वही घर का काम कर दें सारा, मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूँ, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूँ हमारी लड़ाई में। आज के बाद अगर मेरी माँ बहनों का नाम लिया ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ में आई तुम्हें? हर वक्त बस रोजाना कर रहा हूं। आफाक, ये सब क्या है, रोज रोज ऐसे ही करते हैं आप, मुझे किचन में क्यों नहीं आने देते? थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, रोज रोज फिर वही। अरे लो, मैं आ गया। तुम बैठो, खड़ी क्यों हो? बैठो। खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखो क्या फैंटास्टिक चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने, देखो चीख चीख कर कह रही है कि खा जाओ। मुझे नहीं खानी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है आपका रोज रोज। अरे इसलिए नहीं बनाया, वो मैं घर पे जब आया तो तुम थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कहाँ हूँ, कब वापस आऊंगा, तो बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। सॉरी। तुम रोज रोज चली कहाँ जाती हो? वो कुछ सामान खत्म हो गया था ना,
बस वही रहने गई थी। लेकिन सामान तो मैं सारा लेके आया था ना संडे को। हाँ तो उसमें से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा यूं बाहर जाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। तो आपका रोज रोज खाना पकाना मुझे कौन सा अच्छा लगता। मुझे बता दिया करो। Really tired. क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस कैंसल। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज ऑफिस कैंसल और मैं अपनी बीवी की खिदमत करूंगा आज। अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उसके बाद मूवी पे जाएंगे। इतना प्यार क्यों? क्योंकि आज तुम हंस रही हो और जो बहुत कम होता है। अच्छा खाने में क्या बनाओगे? Something oily and spicy. No, no spices, no oil. Oil free खाना खाना मुझे। Oil free is so boring. No, मैं मोटी हो रही हूँ, तुम्हें पता है ना। किधर? You need थोड़ा no, सा। No, 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 no. बस something oil free. आज ही घर पे छोड़नी थी चाबी। आप आ गए? कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जरा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूँ। बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूँ। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? वैसे भी वहाँ पे खवातीन, लेकिन और मैं चला जाता ना, मुझसे एक बार कह के तो देखा करो। ठीक है प्लीज ऐसे शोर नहीं करें, आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले ना। पहली बार चाबी अंदर भूल गया सुबह में। खोलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना है? नहीं खाना तो भूल गए। अच्छा चलो, तुम भी थक गई होगी, मैं ही कुछ बना लूंगा। चलो ना यार जल्दी करो। तो आप भी तो थक गए होंगे। कोई बात नहीं। कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? यार अभी अभी बस यूटिलिटी बिल्स जमा कराए मैंने और खाना पकाया था घर में। बस अभी भी फारिग हुई हूँ, सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और बताओ कैसे कॉल की? मैं भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों फरवा, क्या हुआ? पता नहीं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे आफाक एक भी कोई घर का काम नहीं करने देते, और अगर मैं बाहर के जाके कोई काम कर लूं तो वो भी बुरा लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं करने देते, वो भी खुद ही कर लेते हैं। फरवा यार ये तो वाकई प्रॉब्लम की बात है, जब शौहर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाने लग जाए ना तो इसका मतलब है उसके दिल में वाकई में कोई चोर है। क्या मतलब?
अरे बेवकूफ, मेरा मतलब ये कि आफाक भाई का जरूर किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा होगा। मुझे तो वो दिन याद है जब पार्टी में कैसे मुझे घूर घूर के देख रही थी। छोड़ो, तुम पागल है वो। हेलो, हेलो, हाँ मेरा भाई। अरे कहाँ है यार तू, इतनी कोशिश की, तेरे से कोई रابطہ ही नहीं हो पा रहा है, कहाँ घूमे? यार घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। बोलो क्या बात है? क्या बता, मामला ना थोड़ा बिगड़ गया है। क्या मसला? अरे यार फरवा ने सारे घर के बाहर के काम अपने हाथ में ले लिया। जब भी घर जाओ, घर पे कोई होता ही नहीं, वो लॉक करके बाहर चली गई होती है। जब भी जाओ तो ताला ही नजर आता है बाहर। Come on brother, वो काम के लिए बाहर जाती है, कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। अरे नहीं नहीं ऐसी नहीं है वो तो बस कभी यूटिलिटी बिल्स जमा कराने चली जाती है, तो कभी कभी कारपेंटर के पास, कभी घर का सौदा लेने। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता। पीछा कर देख वो कहाँ जाती है, ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। मुझे तो ये कुछ और चक्कर लग रहा है यार। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? यार अफाक, तू मेरा भाई और मेरी भाभी है, और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल ख्याल कर अपना। काम के लिए बाहर जाती है, कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता। पीछा कर देख वो कहां जाती है, ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ थी तुम? आप कह दो कोई जरूरी सामान लेने के लिए, तो मैं रातों को भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं मैं तो बस वो मैं क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें काम करो आज ना, तुम सच बोलिए। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो, सच सच बता दो, बहाने बनाकर किसे मिलने जाती हूँ? आफाक, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? हाँ मैं तुम पे शक कर रहा हूं।
पर इसका मौका भी तुम ही ने दिया है। मैंने आपको मौका दिया या ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने गिल्ड के अंदर ये सब कुछ कह रहे हैं? आपका किसी और से चक्कर चल रहा है। Shut up! नाश्ते का क्या हुआ? चाय का पानी रख दिया है, ब्रेड ले आए, बना दूंगी। ब्रेड ले आए मतलब? मैं ब्रेड लेके आऊंगा तो नाश्ता दोगी मुझे? तो और क्या करूं? अब और क्या कर सकती हूँ? रोजाना जाके मैं ही ले आती थी, मगर आपकी शकी थी। शक? तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती थी वो सारी गलतियां मेरी? बुरा भी मैं हूं, शकी भी मैं हूं, गलत भी मैं हूं। वैसे तो जब तुम्हारा दिल करे मुंह उठा के तुम बाहर जा सकती हो कुछ भी लाने के लिए। आज एक ब्रेड लानी थी तो इसीलिए नहीं लाई तुम, ताकि मुझे जता सको। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा नाश्ता और भाड़ में जाए ब्रेड। खाना ही नहीं है मुझे। तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना है? मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो लेने आ जाना। अच्छा, तो गलती मेरी थी, तुम तो जैसे दूध की धुली हो ना। जब मैं विश को सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, वो ही मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर चला जाए। तुम्हारे इस टॉर्चर से प्लीज। मैंने तुम्हें बोला क्या? हजार दफा समझा चुका हूं, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, या दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है तुम्हारे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी गुलाम बन करूं? मैं गुलाम बनने का कह रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें गुलाम बनने का कह रहा हूं। हर बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? हर चीज पे लड़ाई क्यों करती हो तुम?
कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या करूं, पूरे दिन यहां खड़े हो कि तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब देता रहूं, अपनी जस्टिफिकेशन करता रहूं, अपना किरदार क्लियर करता रहूं। मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। खबरदार जो मेरे किरदार पे उंगली भी उठाई तो इस बार तो तुम्हारे मुंह पे कीचड़ लगा के पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारे काले करतूत। और मैं तो चुप बैठा रहूंगा ना, सबको बता दूंगा। ये जो तुम्हारा नकली चेहरा पूरी अपने दोस्तों को दिखाया हुआ है ना, सारे राज फाश कर दूंगा उनके सामने। जाओ जाओ बताओ, मुझे कोई डर नहीं। तुम्हें क्यों डर लगेगा, तुम्हें तो अपने बाप के पैसे पे इतना घमंड है, और किसी को पता भी चल गया तो तुम्हें कौन कुछ बोलेगा सिवाय मेरे। जाओ जाओ, और इस घर में तब आना जब तुम्हारी औकात हो जाए इस घर में आने की। इडियट फरवा, तुम कब आई? आओ बैठो, बात करते हैं। मेरी ये नहीं आता, मैं बात शुरू कहां से? कितनी बार मैंने कहा है कि यार ये जितने सारे काम इकट्ठे करके रखे हैं ना, कि रोज थोड़े थोड़े काम करने के लिए बाहर जाना है, मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। लेकिन नहीं, जब घर आओ तो बाहर ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। जब आओ ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। आके उस दिन मैं चाबी भूल गया था तो घर के बाहर कितनी देर मुझे वेट करना पड़ा। नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता, आप किसी लड़की को एक बात कितनी बार ही समझाएंगे? एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीन बार, चार बार, चार बार के बाद तो समझ में आएगी। फिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसको चार बार समझाने में समझ में नहीं आती? घर का खाना मैं बनाता हूं, सारे काम मैं करता हूं, इसलिए कि तुम्हारा ट्रीटमेंट सही रहे, तुम खुश रहो, तुम प्रिंसेस की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन फायदा क्या हुआ? जब मैं आऊँ तो की तरह बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर, कभी सौदा सर लेने के, कभी बिल जमा कराने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने। इतने कौन से काम हो गए यार कि मना करने के बावजूद भी हर दफा बाहर चले जाना। तो बहुत परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाना। स्टनिंग कैसे हो रहा है? सेकंड बाथरूम से आ रहा हूं। तो अभी बाथरूम जाना है, मैं बात कर रहा था, अभी आया। दो मिनट। घटिया इंसान, कब से तुम्हें नंबर डायल कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाते हो। दो दो मोबाइल रखे मैं, उसके बावजूद भी तुम दो दो, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। आज जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, सबको बताऊंगी, तुम्हारे दोस्तों को सबको बताऊंगी मैं। आई हेट यू। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार फोन मैं यहाँ भूल गया, चल जानी। तेरा फोन आ रहा था तो देख। सुन मैं चलता हूँ, याद आ गया, फिर मिलूंगा। एक्सीडेंट हो गया वो हॉस्पिटल में। क्या, कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी आती हूँ। मेरी ही गलती थी, जब भी आफाक घर पे आया मैं उसे मिली ही नहीं, तभी वो गुस्से में वो सब कुछ कह गया। वरना आफाक बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मुझ पे शक कर ही नहीं सकता। जो भी हो मुझे उसे मनाना होगा, माफी मांगनी होगी। हाँ आज छुट्टी है, आज घर पे ही होगा।
मैंने उसके साथ कितना गलत किया, कितना बुरा सलूक किया, कितना बुरा आदमी हूं मैं। पर मैं मना लूंगा उसे, मैं माफी मांगूंगा उससे। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी उससे। हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू बस ये आहें मेरे हिस्से में है दर्द सारा, सपने आंसू बन के सब मेरे सारे अरमां मेरे दिल में रह गए। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, दर्द मेरा आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो अकेले तन्हाई। अरे अफाक, आप परवा? परवा तो चली गई। चली गई? वो तो आपके लिए गई है। जो जब वो आए थे कि उससे देखा साथ तेरा।
अफाक। हाँ अफाक ने दिया। अफाक यहाँ आया था। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। बस बस खाला को बता देना, मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकती, बस बता देना। आपको बुरा ना लगे तो मैं कहीं छोड़ दूं? रेडी? यू चल। बार का आया मैं, ड्राइविंग आराम से करो, लेकिन तुम्हें भी ना तेज चलानी होती है। बैठो बैठो आराम से आराम से। ये तो भला हुआ उस आदमी का जो तुम्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले गया। और नहीं ले जाता तो क्या होता? बहुत से बात में मर ही जाता ना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सिर्फ तुमसे लड़ता ही तो रहता हूँ। एक निकम्मा एक नाकारा इंसान ही तो हूँ। नाकारा हो, घटिया हो, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे बगैर नहीं रह सकती या मुझसे लड़े बगैर नहीं रह सकती? उमर, सिर्फ मैं तो नहीं लड़ती ना, तुम भी तो मुझसे लड़ते हो। भाई मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़े अगर प्यार भी उतना ही करते। और आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर तुम गुस्सा भी हो जाओगी ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुमसे नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, तुम्हारे हर काम करूंगी और तुमसे लड़ती रहूंगी। मैं सोच रही थी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात हमने लड़ते लड़ते गुजार दिए। मैं आने वाली जिंदगी को बहुत हसीन बनाना चाहती हूँ। एक दूसरे से प्यार करके और एक दूसरे की खूबियों को याद करके। कल रात को जब मैंने तुम्हें अपने लिए इतना परेशान देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हम दोनों साथ रहेंगे, सारी खुशियां समेटेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। आई लव यू माही। I love you, man. अरे अब तो सैलेड खाका के भी थक गया मैं। परवा आ जाओ यार, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। दो मिनट, दो मिनट। आ जाओ। आ गई। ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। वाह, awesome. अरे बंद क्यों कर दिया? Sorry. एक बात कहूं? कितना नॉर्मल लगता है तुम तुम्हारे काम करो और मैं अपने, मेरा इसके कि मैं तुम्हारे काम करूं और तुम्हारे। वैसे भी अब जिंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे के मशवरे के हिसाब से नहीं करें, अपने फैसले खुद करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दूसरे को एक दूसरे की नजर से देखने की बजाय, जानने की बजाय, हमने किसी और की नजर से एक दूसरे को देखा, दूसरे के नजरिए से एक दूसरे को समझा, इसीलिए ये सब कुछ इतना खराब हो गया। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी फैसला किसी दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो। चलें, अब इसी खुशी की बात पे छोटी सी बाइट मेरी तरफ से। कैसा बना? अच्छा।
इसीलिए कहती थी कि खाना मुझे बनाना, इतना बुरा बुरा खाना खा के तो थक ही गई थी। और क्योंकि खाना बहुत अच्छा है तो एक बाइट तो मैं भी